नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बीजेपी सांसद रमेश भदूड़ी लोकसभा में इस्लाम को लेकर विवादित बयान से आहत बीएसपी सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के कई सांसद दानिश अली पर रमेश भदूड़ी को उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जातिवादियां गालियों का प्रयोग किया है। वहीं आपको बता दें कि एक पुराने ट्वीट पर साझा की गई 33 सेकंड की क्लिप में आक्रोशित दानिश अली को रमेश भदूड़ी के गाली गलौज और अत्यधिक उकसावे के बाद अपना बचाव करते हुए देखा और सुना जा सकता है। वहीं वीडियो में स्पष्ट रूप से व्याकुल और भावुक दानिश अली चिल्ला रहे हैं, माननीय सदस्य आतंकवादी तक कह रहे हैं। वह किसे आतंकवादी कह रहे हैं? क्या ये सदन में आतंकवादी हैं? ये भी बात रही थी। वहीं आपको बताएं दर्शकों, उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसद कोडी कुन्निल सुरेश से मांग की है, जो उस समय अध्यक्ष थे। वो क्या कह रहे हैं? क्या कोई आतंकवादी सदन में प्रवेश कर सकता है? उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या उन्हें ये कहने की अनुमति दी जानी चाहिए? ये कैसे हो सकता है? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि रमेश भदूड़ी की अभद्र टिप्पणी दानिश अली द्वारा पहले के भाषण में प्रधानमंत्री का अपमान करने का परिणाम थी। भाजपा के निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से दानिश अली को अशोभनीय शब्दों और आचरण की जांच करने की मांग की है। उन्होंने सहयोग रवि किशन शुक्ला ने अभी द्वारा इस्तेमाल की गई सांसदीय असांसदीय भाषा की जांच की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि रमेश भदूड़ी ने सोमवार को संभवता कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद खुद का पक्ष रखने के लिए भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की। इधर दानिश अली ने रमेश भदूड़ी के खिलाफ कार्रवाई से देरी पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें डर है कि अभद्र टिप्पणियां भारत में मुसलमानों के खिलाफ कई कहानी बनाने की हैं, भाजपा की योजनाओं का हिस्सा थी। नड्डा भदूड़ी की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अगर वे कार्रवाई करने में ईमानदार होते तो उन्हें कोई बुला रहे हैं। उन्हें क्या सबूत चाहिए? क्या कुछ रिकॉर्ड में है? इस सब के लिए उन्हें कुछ जरूरत नहीं है मांगने की और वो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक रमेश भदूड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर विपक्ष अभी भी हमलावर है और बार बार हमला कर रहा है। वहीं विपक्ष की माने तो विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से रमेश भदूड़ी ने बयान दिया वो गलत था, संसद के अंदर ऐसे बयान को नहीं देना चाहिए। वहीं बीजेपी पार्टी के नेताओं का कहना है रमेश भदूड़ी का बयान उस वक्त छलका जब उन्होंने कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित बयान दिए थे संसद के अंदर, और उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा था। उस बात को लेकर उनका आपा खो गया और उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। दर्शकों, एक सवाल रहेगा, क्या जिस प्रकार से सदन में इस प्रकार की बातें चल रही हैं, क्या बोलना सही है? भले ही आपकी आपस में असमंजस कुछ भी हो, बात बनती बिगड़ती हो, लेकिन सदन की मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आपकी राय क्या, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।